महाराज जी ने गीत बजाया, कर्म ऐसे करो फिर पछताना नहीं पड़े। तो कर्म कैसे करना चाहिए तो बताओ, कैसे कर्म करना चाहिए। हर एक मनुष्य आज जीवन में संसार में चार प्रकार के कर्म करता है हर एक, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद पांच प्रकार के कर्म करते हैं। एक एक्स्ट्रा शिव बाबा के एक एक्स्ट्रा कर्म सिखाते हैं। दुनिया में सवेरे उठते ही मुंह धोना, पानी पीना, ये प्राणी भी करते हैं, एक कर्म ये सब करते हैं। और एक है अकर्म कहते हैं, अगर अपने को आत्मा समझ कर कोई भी कर्म करते हो वो अकर्म, पाप न पुण्य, वो अभी होता नहीं है, सचित में होता है, फिर भी ये ज्ञान सुनने के बाद सवेरे उठते ही आपको याद है मैं कौन, मैं आत्मा, समझ करके कुछ कर्म करते हो, अकर्म पाप न पुण्य, आत्मा समझ के जो करते हो। और तीसरा है हर एक व्यक्ति जो अभी कर्म करते हो पाप कर्म करते, अपने को शरीर समझ के कुछ भी कर्म करते हो वो पाप कर्म है। शरीर माना पांच विकार, किसी को आपने पानी का ग्लास दिया, माता जी ओम शांति भी नहीं करती, मुस्कुराती भी नहीं है, माना आप पानी देकर कुछ चाहते हो, इच्छा हो रही है, निस्वार्थ सेवा नहीं, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, स्वार्थ, यहां ही फल खाया, एक का एक गुना। तो निस्वार्थ सेवा कैसे, तब गीता में भी कहा कलयुग में अगर आप आग जलाओ तो पहले धुआं आता है, कलयुग में कितना भी पुण्य करो तो भी पाप ही बन जाता है, क्यों, विकर्म, क्योंकि आप कुछ भी दान करते समय क्या समझते हो, किसको दे रहे हो, कोई गरीब है कोई, और शरीर को देखते हो, आत्मा को नहीं देखते हो, शरीर समझकर शरीर को पैसे दे रहे हो, दान कर रहे हो, कपड़े दे रहे हो, खाना दे रहे हो, किसको दे रहे हो आप, शरीर को, एक का एक जन्म में खाया पिया खत्म, अगले जन्म में ले जाएगा नहीं, तब कहा शरीर समझकर कोई भी दान करते हो तो विकर्म ही होता है कलयुग में। तो पहले कर्म, अकर्म, विकर्म, फिर है सुकर्म, पुण्य का काम। अभी कोई हॉस्पिटल खोलता है कितने लोगों को दवाई देंगे, कोई स्कूल खोलता है पढ़ाई पढ़ाता है, कोई गुरुद्वारा में एक खिलाते हैं, लंगर खिलाते हैं, खाना इतने लोगों को खिलाते हो, कोई देखा हमने एक जगह पर 100 जिसको पाव नहीं था, जयपुर फूट कहते हैं, पाव नहीं, आर्मी में कोई कोई पाव फ्रैक्चर है, पाव कट गया, उनको जयपुर में पाव बनता है रेडीमेड, तो वो पाव उन्होंने दान कर रहा था 100 लोगों को, जिसको पाव नहीं है, जिसको ये हाथ नहीं है कट गया किसी कारण, उनको हाथ पाव दान दे रहा था, एक महाराष्ट्र में देखा 100 लोगों को, तो ले गया भेजे आपको रहना है, आप इन सबको दे दो। तब देखा मनुष्य हर प्रकार, लेकिन एक किसको दान करते हैं, किसको देते हैं, शरीर को, आत्मा को कोई नहीं देता है, शरीर को दिया, शरीर ने खाया कुछ दिया, इसी जन्म में खत्म, अगले जन्म में ले जाएगा नहीं। अगर यही इसने कहा, जो भी यहां दान करते हो कुछ भी सेवा करते हो शरीर के लिए दे रहे हो। हमको बॉम्बे में एक व्यक्ति मिला, बहुत बड़ा जैनी है, बहुत दान करते, कहता 10 लाख भी खर्चा हो हम उस व्यक्ति की सेवा करते हैं। तो मैंने कहा आप मुर्दे की सेवा करते हो, क्यों मैं मुर्दे की सेवा करता हूं, हमने कहा आधा सेवा करते हो, कहते नहीं भाई जी आप जो कहो किधर भी कहो मैं सब सेवा करता हूं, हमने कहा आधा सेवा करते हो कैसे। तो मैंने कहा कोई एक अच्छा व्यक्ति गाड़ी चलाता है, शराब पीता है, कार चलाता है, एक्सीडेंट किया, पाव टूट गया, आपने हॉस्पिटल में डाला, आपने उसको ठीक किया, डॉक्टर को बता के 10 लाख रुपए खर्चा किया, ठीक हो गया, कल फिर कार चलाएगा, शराब भी पिएगा, फिर एक्सीडेंट करेगा, तो आपने क्या सेवा किया, शरीर को ठीक किया फिर शरीर बिगड़ गया, उसको शरीर को ठीक करो, आत्मा को भी ध्यान दे दो, दोबारा शरीर शराब नहीं पीना चाहिए। तो आत्मा और शरीर, कार अच्छा दिया नहीं आने, लेकिन ड्राइवर को ट्रेनिंग ही नहीं है, ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा ना, ड्राइवर का लाइसेंस भी चाहिए उसको, और कार भी, दोनों दे दो, शरीर की भी सेवा करो आत्मा का भी ज्ञान दे दो, तब आपने जीव आत्मा की सेवा किया। अभी जीव की किया आत्मा की नहीं किया, तो आधा काम दान किया। तो जीव और आत्मा दो है, आत्मा को ज्ञान सुनाओ,
और शरीर को खाना खिलाओ, कपड़े दे दो, पढ़ाई कर दे दो, किताब दे दो, दवाई दे दो, ये शरीर की भी आत्मा की दोनों हम आधार सेवा करते हैं। समझा? तब कहा कलयुग में चार प्रकार की सेवा दुनिया में करते हैं, कर्म, अकर्म। अभी ज्ञान सुनने के बाद भी आत्मा समझ के भी कर्म करो तो न पाप न पुण्य। तीसरा, ये होता नहीं अभी, सत्युग में होता है, ठीक है, आत्मा समझ के कर्म करते। फिर वी कर्म, शरीर समझ के जो भी कर्म करते हैं। शरीर मारा पांच तत्व आया, पांच तत्व के पांच गुण हैं, है ना। तो किसी को आप दान देते हो तो देखते हैं मुस्कुराते नहीं, ओम शांति नहीं करते हो, थैंक यू नहीं करते हो, कुछ देने के बाद लेने की इच्छा है, तब वो कर्म पाप कर्म होता है, इच्छा अपवित्रता है।